Okay, so good evening, good evening, good evening, all of you. Welcome back at An Academy channel. Let's crack GATE and Yesy. I am Mudit Raj, and you are learning here strength of material one by one, topic by topic, daily. So daily we are doing here classes of important concept of strength of material. So this is crash course. Before this, I have completed the crash course of engineering mechanics on this same channel.

जो बेसिक डाउट्स जो आपको बुक्स में नहीं मिल सकते जो आपको जनरली कॉलेज टीचिंग में आपको नहीं मिल पाते हैं वो सारे के सारे बेसिक डाउट्स जो हैं आई हैव ट्राइड आई हैव पुट माई लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स तो आप वो सारे वीडियो ज़रूर जाके देखें स्टार्टिंग से और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टूडे सेशन इट इज़ बार्स इन सीरीज एंड पैरल बाकी स्टार्टिंग ये कंसेप्ट मैं डील कर चुका हूँ So let me check till now how many people have joined our this live session. Okay. Hmm. Here it is. Okay, good evening, good evening, good evening all of you. आलोक कुमार प्रतेश शिवानी जयमीन पटेल विवेक पवार गुड इवनिंग चलिए तब तक और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं टिल देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो हेयर एज मैनी ऑफ यू मे बी नोइंग दैट आई एम मुदित राज एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट नाइन टेन ईयर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सी एस सी एस सी गेट एंड पी एस यू यहाँ हम जो मेनली बात करेंगे वो ई एस सी एग्ज़ाम और गेट एग्जाम के बारे में करेंगे पी एस यूज आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस ओके माई एम टेक इज़ इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग फ्राम आई 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 टी डेली बी टेक इज़ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड दीज आर माई स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स दीज आर माई स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हालाँकि जो मैकेनिकल और सिविल के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूड मैकेनिक्स तो सिविल स्टूडेंट्स मेरे साथ ये तीन सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हैं लर्न कर सकते हैं और सिविल के स्टूडेंट्स भी अगर मेरे कोर्स से सब्सक्राइब करेंगे तो ये तीन सब्जेक्ट आप मेरे साथ कर पाएंगे बाकी अदर सब्जेक्ट आप अपने सिविल फैकल्टी से भी कर सकते हो ओके इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग विद माई कोड यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दी कोर्सेस ऑफ ऑल द ब्रांचेस एंड ऑल दी फैकल्टीज ओके तो आपको करना क्या है हम यहाँ जो गेट और ए सी की बात कर रहे हैं गेट और ए सी का जो सिलेबस जो लोग सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं देखो यूट्यूब पर यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है नो डाउट बट सिंसियर प्रपरेशन जो है वो वहाँ पर पेड क्लासेस में डेली रेगुलरली हो पाती है बिकॉज वहाँ पर जो हमारा टाइम अलॉटेड है वो ज़्यादा रहता है आपको डेली पाँच छः घंटे की क्लास मिलती है लाइव एटलीस्ट और आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है जिसकी बहुत ज़्यादा फी नहीं है सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनएकेडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना रहता है ठीक है ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ अपना गोल सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मेरे नाम से

इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये एक मैं कोर्स जो है कंप्लीट करा चुका हूँ एक सब्जेक्ट दूसरा जो है वो थ्योरी ऑफ मशीन ये अभी आज मैंने इसमें वाइब्रेशंस वाला पार्ट कंप्लीट किया है थ्योरी तो आज इसमें वाइब्रेशंस की थ्योरी कंप्लीट की है और कल इसमें वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा प्रॉब्लम्स कराऊंगा ठीक है सो ये कोर्स भी कल अपना कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी ऑफ मशीन सोम फिलहाल रनिंग मोड में है इसका अभी लास्ट चीज़ चल रही है जो बचा हुआ है और जब भी आप सब्सक्राइब करें एम कोड के साथ करें ये सारे पेड कोर्स थे यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर मैनी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल ऑन दी प्लेटफॉर्म विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं एक साल के लिए तो एक साल की जो फ़ी है आपको फिर मैं बता दूं पहले भी बताया फ़ीस जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है कई स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं सर मुझे पांच सब्जेक्ट पढ़ने हैं या चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्या सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी नहीं है टाइम के हिसाब से फ़ी है जैसे आपने अगर एक साल के लिए सब्सक्राइब किया तो एक साल के लिए जितने भी कोर्सेस उस पर चल रहे होंगे उस साल में उस टाइम के दौरान वो सारे के सारे देख पाओगे आप ठीक है और अगर आप आ, पूरा कोर्स करना चाह रहे हैं तो वन ईयर इज़ सफिशेंट एटलीस्ट वन ईयर इज रिक्वायर्ड ठीक है लेकिन अगर आप सिक्स मंथ के लिए करते हैं तो सिक्स मंथ में जितने कोर्सेज चलेंगे वो आप देख पाएंगे ठीक तो है तो टाइम के हिसाब से सब्सक्रिप्शन है सब्जेक्ट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें आपका बेनिफिट क्या रहता है कि 12 साल में आप एक सब्जेक्ट कितने भी बार देख सकते हो अगर आपको डाउट आता है यू कैन रिपीट दी क्लास जैसे आज मैंने आपको लाइव पढ़ा दिया आज आपने लाइव वो क्लास कर ली फिर आपको उसमें डाउट फंसता है तो आप कल भी देख सकते हो उसको या दो चार दिन बाद भी देख सकते हो एटिंग दी पॉइंट ऑन नॉट तो ऐसा नहीं है कि एक बार सब्जेक्ट किया और उसका फ़ी आपको लग गया फ़ी टाइम के हिसाब से है आप एक ही सब्जेक्ट कितने बार रिपीट कर सकते हो टॉपिक देख सकते हो रिपीट पर सो दिस इज़ द फी फॉर वन ईयर दिस इज़ गुड फॉर फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड पासड आउट स्टूडेंट एंड वर्किंग कैंडिडेट जो एक साल में बाकायदा अपना पूरा कोर्स हमारे साथ कर सकते हैं टू ईयर प्रोग्राम है दैट इज़ बेस्ट फॉर दी थर्ड ईयर एंड सेकेंड ई ईयर स्टूडेंट तो टू ईयर का भी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है थर्टी थाउजेंड है उस पर भी कोड आप यूज़ कर लेंगे एम आर लाइव एम आर लाइव ओके 27,000. सेवन थाउजेंड दिस इज़ फॉर थर्ड ईयर एंड सेकेंड ई ईयर स्टूडेंट्स ओके तो थर्ड ईयर जो है दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रप्रेशन तो अगर आप थर्ड ईयर से अपना प्रपेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपने बेस्ट टाइम पर प्रपेशन स्टार्ट करते हैं तो अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर आप स्टार्ट होगा वहाँ से आप स्टार्ट करें ठीक है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आप फुल कोर्स करें फुल सलेबस आप करें और सेवेंथ सेम सेमेस्टर में पहुँच कर क्या आप कर सकते हैं आप पूरा का पूरा जो सलेबस है उसको भली भाती रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की और टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं एथ सेमेस्टर में जाके आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी से जनवरी में ये सीपरलीम्स होता है जनरली और फैब में आपका गेट एग्ज़ाम रहता है हालाँकि अभी तो ये थोड़े बहुत डेटेड पोस्ट भी होंगे ड्यू टू कोरोना एंड ऑल दैट सो दिस इज़ माई नंबर यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप और सभी लोग ये टेलीग्राम पर चैनल मेरा ज्वाइन कर लो आई यूज़ टू गिव अपडेट्स ऑन दिस चैनल अबाउट दी क्लासेस और लास्ट में एक बार नंबर आप फिर से नोट कर लो सभी लोग सेवन एट फोर डबल ज़ीरो सेवन टू फोर नाइन सेवन दिस इज़ दि नंबर तो आप जो भी मैसेज करेंगे वो व्हाट्सएप पर करेंगे ठीक है तो अपना नाम और डिटेल आप मुझे मैसेज अपना नेम एंड पर्पस करके छोड़ दो ठीक है टाइम आई एम बिजी इन दी क्लासेस सो आई कैन नॉट पिक योर कॉल बट इफ़ आई विल बी फ्री आई विल पिक योर कॉल अदरवाइज़ अगर आप अपना नाम और पर्पज़ लिख के मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं भी फ्री टाइम में आपको कॉल बैक कर लेता हूँ ठीक है चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर सब वीडियो हमेशा के लिए रहेगा हमेशा के लिए नहीं रहता है नियरली वन ईयर के लिए रहता है एक वीडियो वन ईयर के लिए रहता है लेकिन अगर वन ईयर में मैं वो सब्जेक्ट दो बार रिपीट कर रहा हूँ तो बेहतर है कि हमेशा लेटेस्ट वाला वीडियो आप देखें क्योंकि हर फैकल्टी हर इंसान जब वही काम दोबारा फिर से करता है ना तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर रहता है ठीक है जब मैंने पहली बार पढ़ाया होगा मैकेनिक्स हर साल हर बार हर बैच में हर फैकल्टी इम्प्रूव करता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कराया था कोई नया क्वेश्चन और मिला या इस साल नया क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया या पिछला जो एग्ज़ाम हुआ पिछले महीने उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं कोई नया क्वेश्चन नए टाइप का रहे तो हमेशा आप कोशिश करो जो लेटेस्ट वाला कोर्स कराया गया है उसको आप करो पता ही ना समझ में जैसे ये मैकेनिक्स मैं अभी फरवरी में कंप्लीट करा चुका हूँ अभी मैकेनिक्स में दोबारा स्टार्ट करूंगा जुलाई में तो अगर कोई जुलाई के बाद ज्वाइन कर रहा है तो उसको जुलाई वाला करना चाहिए गेटिंग दी पॉइंट और नॉट क्योंकि मैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जरूर इंक्लूड करूंगा दिस इज दी ऑलवेज मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट लर्निंग लाइफ लॉन्ग ओके हर फैकल्टी ये करते हैं हर बार नोट्स में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा हर क्लास में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलता है नए मिल मिलते हैं ठीक है चलिए गुड इवनिंग तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट बार्स इन सीरीज एंड पैरल बार्स इन सीरीज एंड पैरल सीरीज एंड पैरल ओके तो पहले हम लोग देखेंगे बार्स इन सीरीज सो फर्स्ट वी विल सी बार्स इन सीरीज ओके सो हम लोग किसके लिए देखेंगे एलोंगेशन के लिए देखेंगे या डिफॉर्मेशन के लिए देखेंगे एलोंगेशन और कॉन्ट्रेक्शन or contraction because here we are discussing right now only simple stresses and simple strain or you can say normal stresses normal strain so first i am starting bars in series bars in series or you can call it stepped shaft stepped shaft okay तो सीरीज़ में जब बार्स लगे होते हैं तब उस पर लोड लगाएं, तो क्या बात बन के सामने आती है सो so, बार्स इन सीरीज़ और स्टेप्ड शाफ्ट की हम लोग बात शुरू करते हैं सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ अ स्टेप्ड बार और शाफ्ट इसका एक पोर्शन दूसरा पोर्शन और ये हो गया इसका तीसरा पोर्शन तो पहले केस में वी आर एज्यूमिंग दैट लोड इज अप्लाइड लोड इज अप्लाइड ओनली एट वन सेक्शन ओनली एट वन सेक्शन एक ही सेक्शन पर लोड लगाया गया है और फिगर में हम उसको बनाएंगे किस तरीके से एक्सटर्नल सरफेस पर लोड या फ्री सरफेस पर या फ्री एंड पर लोड लगाया गया है लाइक दिस सो व्हेन वी विल अप्लाई लोड लाइक दिस ऑन दिस मेंबर सो लेट्स से दिस इज सेक्शन ए दिस इज सेक्शन बी दिस इज सेक्शन सी एंड दिस इज सेक्शन डी तो यहाँ हमारे तीन बार आपको दिखाई देंगे ये तीनों बार किस में है सीरीज़ में है ओके तो पहले वाले का अपन मान लेते हैं लेंथ एल वन है डायर डी वन है यंग्स मॉडल्स ई वन है दूसरे वाले का लेंथ डाया और यंग्स मॉडल्स तीसरे वाले का लेंथ डाया और यंग्स मॉडल्स ये आपको दिया हुआ है ठीक है सो दीज थ्री बार्स आर इन सीरीज एंड लोड इज़ अप्लाइड ओनली एट वन सेक्शन दैट इज दी फ्री एंड दैट इज द फ्री एंड इन दिस केस ठीक है यहाँ पर लोड लगाया हुआ अब इसमें आपको बहुत सारी बातें पूछ सकता है इसमें पूछ सकता है कि बताइए स्ट्रेस कितना होगा तो आप क्या पूछेंगे सर किस पॉइंट पर या किस बार में किस बार में फिर किस पॉइंट पर मैं कहूँ स्ट्रेन कितना है तो आप पूछेंगे किस पॉइंट पर किस बार में कितना स्ट्रेन है मैं कहूँ टोटल इलोंगेशन कितना होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा फिर मैं कहूँ कि जब मैं यहाँ इसको खींच रहा हूँ तो डी पॉइंट या डी सेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सी सेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बी सेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ए तो, तो फिक्स है ये यहीं रहेगा ये सुनो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं तो एक एक करके हम वो सारी चीज़ें देखेंगे डिस्कस करेंगे उससे पहले हम को क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए बताइए वी हैव टू स्टार्ट दी क्वेश्चन फ्रॉम एफ बी डी कल भी हमने बात की थी एफ बी डी की और स्टार्टिंग में आपको बता भी चुका हूँ तो इसका हम लोग एफ बी डी बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तीन पार्ट हैं तीनों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो सबसे पहले तीनों का कम्बाइंड एफ बी डी अगर मैं कहूँ इस पूरे स्टेप्ड शाफ्ट का कैसे बनेगा तो कंबाइंड एफ बी डी देखो कैसे बनेगा इस स्टेप्ड शाफ्ट का कंबाइंड एफ बी डी मतलब एफ बी डी ऑफ टोटल बार और टोटल शाफ्ट वो कैसे बनेगा तो टोटल बार हमने एक साथ बनाया पहले यहाँ एक टोटल फोर्स एफ पी लग रहा है अब ये पूरा का पूरा बार राइट साइड जा रहा है क्या नहीं जा रहा है मतलब यहाँ सपोर्ट से इसको इधर एक पी मिला होगा तभी तो ये रेस्ट में है बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन रेस्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल मोशन इज नॉट परमिटेड स्टडी ऑफ मोशन इज नॉट डन इन द्रेंथ ऑफ मटीरियल सो सेम फोर्स पी इक्वल एंड अपोजिट कहाँ लगेगा सपोर्ट पर तो so सपोर्ट को ऐसा फील होगा मुझे इधर खींचा जा रहा है क्योंकि ये फोर्स आपने इधर लगाया हुआ है so सो पूरे बार का एफ बी डी ये बनेगा अब हम इसके इन एक दो और तीसरे पार्ट को भी अलग अलग कर देते हैं तो फिर इनका भी एफ बी डी बन जाएगा तो देखो इसका एफ बी डी कैसे बनेगा भाई तीनों पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए फर्स्ट पार्ट इज दिस सेकेंड पार्ट इज दिस थर्ड पार्ट इज दिस ठीक है जी तो गिवन फिगर के हिसाब से तीसरे पार्ट का जो डाया है वो सबसे कम है इसका एफबीडी देखो कैसे फर्स्ट पार्ट पे इधर तो पी लग रहा है पिछले फिगर में दिख रहा है अब ये इस पर एक पी तो लग गया ये राइट में जा नहीं रहा है मतलब उतना ही पी यहाँ लगा होगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स सरफेस पे मिला होगा इसके मॉलिक्यूल्स ने इसके मॉलिक्यूल पे लगाया होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इसने इस पर लगाया होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज अब ये रेस्ट में रखना है तो इधर पी लगाना पड़ेगा अब इसका इक्वल एंड अपोजिट तुरंत इस पर लग जाएगा और ये रेस्ट में क्या होगा क्योंकि यहां से सपोर्ट से मिल ही रहा होगा एक पी तो पहला बार दूसरा बार तीसरा बार तीनों का एफ बी डी बन गया ये सुनो। तो सारे बार कितना कितना लोड लग रहा है पी 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 लोड लग रहा है तीनों पर तो आप पहले बार का यहाँ लोड लिखेंगे सबसे पहले लोड ऑन दी फर्स्ट बार पी वन टेंसाइल है तो पॉजिटिव लिखोगे और पी लोड है ये सोनू दूसरे बार पर लोड लिखोगे ये भी टेंसाइल है और पी है तीसरे बार पर कितना लोड है टेंसाइल है और पी है तो पहला काम होता है हमारा कि एफ बी डी बना के सारे सेक्शंस में सारे बार्स में लोड पता कर लें उसके बाद जैसे ही आपको पी मिल जाएगा तो आप इसमें स्ट्रेस बता सकते हो कितनी होगी पहले बार में सिग्मा वन टेंसाइल लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी पी अपॉन एरिया ए वन इसका एरिया ए वन होगा इसका डायर डी वन था ठीक है जी तो पी अपॉन ए वन उस तरह इसमें स्ट्रेस कितनी होगी प्लस यहाँ भी होगा पी अपॉन ए टू और इसमें स्ट्रेस कितनी होगी सिग्मा थ्री पी अपॉन ए थ्री ये सुनो तो ये स्ट्रेस आ गई थर्ड पार्ट में स्ट्रेस आ गई सेकंड पार्ट में स्ट्रेस आ गई फर्स्ट पार्ट में क्या यहां बता सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस में होगा लोड सब में सेम है एरिया सबसे कम इसका है सो दिस हैज मिनिमम एरिया सो दिस स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एंड दिस स्ट्रेस विल बी मिनिमम ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपको अगर रेशियो पूछ देता अगर आपको रेशियो पूछ देता वट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस का मॉड लेट से तो आप बता सकते हैं कि नहीं बिल्कुल बता सकते हैं मैक्सिमम है सिग्मा थ्री मिनिमम है सिग्मा वन डी वन डी थ्री डी टू सब दिए जाएं लोड की वैल्यू तो आप फाइंड कर लोगे सही बात है कि नहीं है निकल जाएगी वैल्यू सोनू yes यस no? yes. अभी मैं कहता हूँ कि इस पहले पार्ट में स्ट्रेन बताओ तो पहले पार्ट में जो स्ट्रेन होगा एफ साइल एन वन वो कैसा होगा टेंसाइल होगा तो डेल्टा वन अपॉन एल वन होगा उसके लिए आपको डेल्टा वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसी तरह दूसरे स्ट्रेन कितना होगा डेल्टा एल टू बाई एल टू और तीसरे में स्ट्रेन कितना होगा डेल्टा एल थ्री ओवर एल थ्री तो हमें अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू और डेल्टा एल थ्री की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले बार में डेल्टा एल वन कितना होगा बताइए डेल्टा एल वन कितना होगा तो डेल्टा एल कल हमने फाइंड किया था एलोंगेशन इन दीवार बार क्या होता है पी एल अपॉन ए तो पी तो इसमें लग ही रहा है सेम पॉजिटिव पी एल एल कितना है इसका एल वन ए कितना है इसका ए वन और ई e कितना है इसका ई वन तो पहले का डेल्टा एल ये हो जाएगा दूसरे का प्लस पी एल बाई ए ई दूसरे में इतना हो जाएगा एलोंगेशन और तीसरे में एलॉन्गेशन कितना होगा बेटा ये भी टेंसाइल है ये भी एलोंगेट करेगा ए थ्री बाई ए थ्री अब ये सारी वैल्यू दी जाए तो डेल्टा वन एल टू एल, एल थ्री तीनों फाइंड कर लोगे कि नहीं डेल्टा वन एल टू एल, एल थ्री जैसे ही आएंगे आप स्ट्रेन की वैल्यू भी निकाल सकते हो साथ में स्ट्रेन की वैल्यू कैसे और फाइंड कर सकते थे सिग्मा वन बाई ई वन से भी निकाल सकते थे ये सुनो सिग्मा टू बाई ई टू से भी निकाल सकते थे ये सुनो और सिग्मा थ्री बाई ई थ्री से भी निकाल सकते थे ये सोनो इससे भी फाइंड कर सकते थे स्ट्रेन की वैल्यू सिग्मा निकल चुका है ठीक e है ई आपको दिए हुए हैं ई वन ई टू ई थ्री तो आप स्ट्रेन की वैल्यू भी बता सकते हैं ओके अभी मैं अगर कहूँ कि टोटल डेल्टा एल पूरे शाफ्ट का कितना होगा तो टोटल डेल्टा एल क्या होगा तीनों का सम हो जाएगा तीनों का सम हो जाएगा जैसे कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि पहले इलोंगेशन पहले बार में कितना हुआ तो मान लेते हैं पहले बार में इलोंगेशन सबसे पहले हो रहा है होगा तो सब में साथ में अज्यूम कर लो कि मान लेते हैं कि पहले सबसे पहले इसमें एलोंगेशन हुआ मान लो पाँच सेंटीमीटर का या पाँच सेंटीमीटर का तो पहले ये बी सेक्शन जो होगा वो पाँच सेंटीमीटर से यहाँ एलोंगेट हो जाएगा डेल्टा वन से ठीक जब ये डेल्टा वन से एलोंगेट होगा तो ये दोनों उतने ही अमाउंट से ट्रांसलेट कर जाएंगे तो सी सेक्शन और डी सेक्शन डेल्टा वन से ट्रांसलेट कर जाएंगे ठीक है ना उसके बाद इसमें एलोंगेशन होगा सी यहाँ पहुँच चुका होगा सी वन पर फिर इसमें एलोंगेशन होगा डेल्टा एल टू वो सिर्फ़ इधर जाएगा उधर नहीं जाएगा उधर फिक्स है तो B पॉइंट तो एक ही बार खिसकेगा B1 पर डेल्टा L1 के बराबर C पॉइंट C1 पे पहुंचा होगा डेल्टा L1 के बराबर लेकिन इसमें एलॉन्गेशन हो गया डेल्टा L2 तो इसमें अब एलोंगेशन होगा दूसरे में और तीसरे में फिर से ट्रांसलेशन हो जाएगा डेल्टा L2 के बराबर तो D पहले D1 पे पहुंचेगा L1 की वजह से D2 पे पहुंचेगा डेल्टा L2 की वजह से ट्रांसलेट करके और फिर इसमें खुद का तीसरा इलोंगेशन और हो जाएगा डेल्टा L3 से तो आपका D D3 पे पहुंच पहुँच जाएगा बात आई समझ में नहीं आई तो टोटल इलोंगेशन इन दी बार क्या होगा सीधा सीधा ये जुड़ जाएगा डेल्टा L1 वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री मान लीजिए पहले बार में पाँच सेंटीमीटर दूसरे में तीन सेंटीमीटर और तीसरे में एक सेंटीमीटर का एलोंगेशन हो रहा है तो पाँच और तीन और एक आठ और एक नौ टोटल नाइन सेंटीमीटर एलोंगेशन हो जाएगा अब मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए कितना होगा जीरो क्योंकि वो तो फिक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी कितना होगा डेल्टा वन के बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी कितना होगा या सेक्शन सी डेल्टा एलवन प्लस डेल्टा एल टू के बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी कितना होगा उसमें तीनों जुड़ जाएंगे डेल्टा एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री मतलब टोटल डेल्टा एल के बराबर ये सुनो बात समझ आई कि नहीं आई इतनी बात चमकी कि नहीं चमका चमका हो तो फटाफट कमेंट करो जय हिंद सबके डिस्प्लेसमेंट समझ आ गए हैं तो कमेंट में लिखो जय हिंद बताइए बताइए इतनी चीज़ क्लियर हुई सभी को कि नहीं पॉइंट ए फिक्स है तो उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो पॉइंट ए का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर है कि नहीं वेरी गुड सर मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से बार पे लगेगा बता तो दिया आपको जिसका एरिया सबसे कम होगा एरिया हमने यहाँ ए थ्री सबसे छोटा बनाया है तो एरिया लोड सब पे सेम है ए थ्री सबसे कम ये है तो ये सबसे कम होगा तो यहाँ स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा क्लियर है कि नहीं हाँ वेरी गुड सो एवरी थिंग इज क्लियर एवरी थिंग इज़ क्लियर सो यहाँ पर देखिए बी जब मूव कर रहा है तो इसका सिर्फ इलोंगेशन की वजह से सी मूव कर रहा है पहला ट्रांसलेशन है दूसरा इलोंगेशन है और जब डी मूव कर रहा है तो पहला ट्रांसलेशन दूसरा ट्रांसलेशन तीसरा इलोंगेशन ये इलोंगेशन वाला पार्ट होगा खुद की लंबाई बढ़ने से आगे खिसक गया होगा बात समझ आई कि नहीं आई सो एवरी थिंग यू कैन फाइंड एयर वेरी ईजीली अब इसी में मैं लोड अगर पी कंप्रेसिव कर दूं तो ऐसे कर दूं तो पूरा एबीडी बना लोगे गे अब सारे फोर्स पलट जाएंगे और सारे के सारे बार किस में होंगे कंप्रेशन कंप्रेशन कम सब जगह माइनस लग जाएगा सब जगह माइनस लग जाएगा डेल्टा एल सारे नेगेटिव हो जाएंगे समझ सकते हो कि नहीं तो so, जब एक ही सेक्शन पे लोड लगता है सो फोर्स और लोड इन ऑल सेक्शन ऑल पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विल रिमेन सेम क्लियर है जी चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड जय हिंद जय भारत नेक्स्ट केस सेकंड केस लोड एक्टिंग एट मैनी सेक्शन लोड एक्टिंग एट मैनी सेक्शंस कई सेक्शंस पर लोड लगा दिया जाए तब क्या होगा मान लेता हूं बार हमारा वही स्टेप्ड शाफ्ट की तरह ले लिया स्टेप्ड बार की तरह ले लिया तीन ही पोर्शन फिर से बना लिए और लोड इस बार कई सेक्शन पर लगा देता हूं दिस इज योर पॉइंट डी यहां मान लो मैं पी लोड लगा देता हूं यहां मान लो मैं टू पी लोड लगा देता हूं और यहां मान लो मैं फाइव पी लोड लगा देता हूं तो केस क्या है केस है कि के बार्स इन सीरीज है एंड लोड इज अप्लाइड एट मैनी सेक्शन यहां पी लगाया राइट टू पी लगाया लेफ्ट एंड फाइव पी लगाया राइट साइड ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरे बार का एफ बी डी बनाएंगे क्या बनाएंगे पूरे बार का कंबाइंड एफ बी डी बनाएंगे तो पूरे बार का कंबाइंड एफ बी डी मैं यहां बना देता हूं ऐसे कुछ दिखेगा दिस विल बी द कंबाइंड एफ बी डी ऑफ टोटल बार तो टोटल बार पर फोर्स क्या क्या लग रहा है पी इस सेक्शन पर टू पी इस सेक्शन पर और 5 पी इस सेक्शन पर तो देखिए जरा पी और 5 पी 6 पी राइट साइड और 2 पी लेफ्ट साइड तो 6 एंड 2, फोर से बार राइट साइड जाना चाहेगा तो 4 पी यहां आ जाएगा सो दैट इट विल बी बैलेंस्ड तो फोर और टू सिक्स फाइव और वन सिक्स टोटल बार विल बी इनरेस्ट सो हेयर सपोर्ट पर कितना आएगा फोर पी बात समझ आई कि नहीं आई सो so ये कंबाइंड एफ बी डी है अभी नेक्स्ट पेज पर मैं इसका अलग अलग एफ बी डी बनाऊंगा ठीक है तो तीनों पार्ट को उसमें अलग कर देंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बाकी वो तो आपको दिया ही होगा कि इसका लेंथ एल वन डी वन ई वन दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में डेटा दिया ही रहेगा तीनों के बारे में डाया डी थ्री ई थ्री इज दंग्स मॉडल्स तीनों को अलग अलग कर देता हूँ अब इन तीनों को अलग करने के दरअसल तीन तरीके हैं तीनों को अलग करने के तीन तरीके हैं तीनों तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एफ़ बनाने में सो so, तीनों तरीके से मैं एफ़ बनाऊंगा। बुक में एक तरीका दिया होता है बस और कभी कभी वो सॉल्यूशन में दूसरा तरीका उठा के सीधे सीधे पटक देते हैं वहीं स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है कि थ्योरी में तो ये दिया था सॉल्यूशन में कुछ और बना दिया ये कैसे हो गया तो देखिए सबसे पहले या तो राइट से चलते हुए लेफ्ट जाओ या लेफ्ट से चलते हुए राइट में आओ तो बताइए कहाँ से स्टार्ट किया जाए लेफ्ट या राइट फोर्सेस लगाने कहाँ से स्टार्ट करूँ राइट या लेफ्ट बताइए बताइए कमेंट करो फोर्स लगाना कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट किया जाए राइट ओके चलिए राइट से स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले राइट में फोर्स देखो क्या है पी पी है ना तो मैं पी से स्टार्ट करता हूँ पी फोर्स मुझे लगाना है मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ लगा दिया अब पी फोर्स इस पर लगाया ये रेस्ट में रहना चाहिए तो सबसे पहली बात तो यह है इधर भी पी लगा होगा तभी ये रेस्ट में रहेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं अब ये पी आपने एक्स्ट्रा लगाया है ये डायग्राम में तो नहीं दिया तुम्हें एक्स्ट्रा लगाया ना वो डायग्राम में तो नहीं दिया है तो वो तुम क्या करोगे कैंसिल भी करोगे इसका इक्वल एंड अपोजिट लगा के कैंसिल तो कैंसिल हो गया एक पी इधर लगा दी एक पी इधर लगा दी मतलब तुमने नेट सिस्टम में कुछ नहीं लगाया अगला फोर्स कौन सा दिया है टू पी टू पी किस पर लगाओगे इस पर क्योंकि ये तो बैलेंस कर चुके हो तो टू पी इस पर लगाओ ठीक है जी अब देखो टू पी और पी का टू पी और पी का नेट रिजल्टेंट किधर होगा इधर कितना होगा P होगा नहीं होगा P तो उस P के बराबर आप इधर से P लगा देंगे ऐसे तब ये रेस्ट में रहेगा इसको रेस्ट में रखना टू पी पी तो रिजल्टेंट P हो गया तो P इस साइड लग रहा है तो P ये रेस्ट में अब ये भी फिगर में नहीं लग रहा था तो इसको भी कैंसिल आउट करोगे इक्वल एंड अपोजिट लगा के ये कैंसिल हो गया अब अगला फोर्स जो है ना फाइव पी फाइव पी फाइव पी आप किस पर लगाओगे इस पर लगाओगे क्योंकि ये तो बैलेंस हो गया तो फाइव पी राइट साइड लग रहा है तो फाइव पी आप इस पर लगा दो, ठीक है ना फाइव पी लगा दी, तो लास्ट में कितना है फोर पी तो फोर पी इधर ये आप लगा दोगे वो तो दिया ही हुआ है तुमको फोर पी इधर लगा दिए तो अगर तुमने सही किया है तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस मिलेगा इसको तुमने बैलेंस किया है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होने देखो फाइव पी पी तो इसका नेट फोर्स इधर आएगा ना फोर पी फोर पी फोर पी बैलेंस हो गया कि नहीं तो पहला भी बैलेंस दूसरा भी बैलेंस तीसरा भी बैलेंस पूरा दुनिया बैलेंस हो गया ठीक है समझ आया है इतना या नहीं बोलूँ अभी दूसरा केस मैं लूंगा लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा ठीक है हम्म अभी लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं फोर पी फोर पी इस साइड तो इधर भी मैं फोर पी लगा दूंगा ये बैलेंस हो गया इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर पी यहां लगा दूं अगला फाइव पी फोर्स है वो आप यहां लगाएंगे ठीक है अब इन दोनों का नेट क्या होगा पी होगा इस तरफ तो पी इस तरफ नेट तो एक पी आप यहां लगाएंगे इसका इक्वल एंड अपोजिट इस पर लगा देंगे ये बैलेंस हो गया तो ये टू पी अब इस पर लगाएंगे अब इधर तो पी लग ही रहा है तो अगर ये बैलेंस किया है तो ये बैलेंस अपने आप मिल जाएगा टू पी पी नेट होगा इधर सो नेट फोर्स नेट फोर्स बैलेंस तीनों बैलेंस हो गए तीनों बैलेंस हो गए तीसरा तरीका लेफ्ट से आओ मिडिल तक यहाँ डंप कर दो राइट right, सॉरी लेफ्ट से आओ यहाँ डंप कर दो राइट right से आओ यहाँ तो मैं पहले राइट right से शुरू करूँगा पी पी यहाँ डंप कर दिया इसका कैंसिल पी और टू पी इधर लगा दो उसके बाद यहाँ से आओ ये फोर पी और ये फोर पी इनको हमने साफ सुथरा कर लिया लेफ्ट राइट right वाले को इसका इक्वालन अपोजिट इस पर डंप कर दो और फाइव पी इस पर डंप कर दो तो ये दोनों तुमने बैलेंस कर लिए बड़े प्यार से लेफ्ट राइट वाले तो ये भी बैलेंस होगा अगर तुमने सही लगाया है तो देखो टू पी 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 लेफ्ट में जाएगा फाइव पी फोर पी तो पी राइट में जाएगा तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो कंप्रेशन ही तो होगा पी के बराबर बात समझ आई कि नहीं आई तो आप चाहे पहला मेथड लगाओ चाहे दूसरा मेथड लगाओ चाहे तीसरा मेथड लगाओ हर बार लोड इन दी पार्ट्स आपको सेम मिल रहा है फर्स्ट पार्ट में देखो फोर पी टेंसाइल, फोर पी टेंसाइल और फोर पी टेंसाइल, पी 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 कंप्रेसिव पी टेंसाइल पी टेंसाइल तो बात समझ आई कि नहीं आई क्लियर है सभी को गुड तो पहला देखो लोड इन फर्स्ट मेंबर कितना हुआ लोड इन फर्स्ट मेंबर P1 तो P1 है आपका 4P पी टेन साइल तो क्या लिखोगे प्लस फोर पी पी टू पी टू कितना है P कंप्रेसिव मतलब माइनस पी और P3 कितना है P का टेंसाइल मतलब प्लस पी है ना लोड मिलना ही मुश्किल होता है लोड मिल गया अब आप फाइंड कर सकते हो तो पहले में स्ट्रेस कितनी होगी मालिक P1 वन बाई ए होगी टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगी A1 वन हो जाएगी तो ये हो जाएगी 4P पी बाई ए वन है ना पॉजिटिव दूसरे में स्ट्रेस क्या होगी P2 टू बाई ए टू होगी P2 टू है माइनस पी ओवर ए टू सिग्मा थ्री कितना है P3 थ्री बाई ए होगा तो ये हो जाएगा प्लस का P बाई ए थ्री अब यहाँ आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि लोड भी डिफरेंट है और एरिया भी डिफरेंट है तो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी इस पर लोड भी ज़्यादा है एरिया भी ज़्यादा है यहाँ लोड कम है एरिया भी कम है तो यू आर नॉट श्योर कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम होगा लेकिन सॉल्व करने के बाद तो मिल जाएगा तो यहाँ तुम मैक्सिमम भी निकाल सकते हो और मिनिमम भी निकाल सकते हो तो अगर मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछ दे वो भी निकाल सकते हो ये yes सुनूँ no? अब बात आती है डेल्टा एल पर तो डेल्टा एल वन कितना होगा होगा पी तो वन एल वन बाई ए वन ई वन कितना होगा पी वन एल वन बाई ए वन ई वन डेल्टा एल वन बन जाएगा पी वन प्लस का फोर पी इन टू एल वन बाई ए वन ई वन डेल्टा एल टू बन जाएगा तुम्हारा माइनस का पी एल टू ओवर ए टू ई टू और डेल्टा एल थ्री ये प्लस का है कितना है पी एल थ्री बाई ए थ्री ई थ्री ए थ्री एंड ई थ्री तो ये समझ आया कि नहीं आया समझ आया कि नहीं आया ठीक तो अब यहां पर कोई बार तो इलोंगेशन में हो सकता है और कोई बार कंप्रेशन में हो सकता है ये इलांगेशन में है ये कंप्रेशन में है ठीक है तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा इसका लेंथ कम होगा और इसका लेंथ फिर इंक्रीज होगा तो मान लीजिए कि पहला है तुम्हारा फाइव सेंटीमीटर प्लस फाइव सेंटीमीटर से बढ़ जाता है लेंथ दूसरा है मान लीजिए माइनस थ्री सेंटीमीटर और तीसरा है मान लीजिए प्लस वन सेंटीमीटर ठीक है तो अब मैं कहूँ कि टोटल डेल्टा एल कितना होगा सो तो टोटल डेल्टा एल तीनों का एलियवरिक सम हो जाएगा डेल्टा वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री डेल्टा वन है प्लस फाइव एल टू है माइनस थ्री ये है प्लस वन तो टोटल कितना मिल जाएगा पाँच एक छः तीन गया तीन पॉजिटिव सो टोटल थ्री सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो रहा होगा अगर मैं बात करूँ पॉइंट ए की उसका तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं पॉइंट बी का तो प्लस कार्ट फाइव सेंटीमीटर राइट right साइड चला जाएगा है ना और सेक्शन सी किधर जाएगा तो डेल्टा एल वन प्लस एल टू मतलब पहले प्लस फाइव राइट साइड जाएगा उसके बाद माइनस थ्री लेफ्ट साइड जाएगा मतलब टोटल प्लस का टू राइट साइड जाएगा वो सेक्शन जाएगा कि नहीं फिर हम बात करें सेक्शन डी की तो उसमें तीनों जुड़ जाएंगे तो डेल्टा एल टोटल मतलब वो प्लस का थ्री सेंटीमीटर राइट साइड जाएगा लाइक दिस क्लियर है सभी को ये भी क्लियर हो गया हो तो जय हिंद लिख दो फटाफट हम्म hmm. जय हिंद लिख दीजिए फटाफट इफ दिस इज आल्सो क्लियर राइट डाउन जय हिंद चमकाना स्ट्रेस को वाई एक्सेस स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे कोई क्यों लेता अरे तुम उल्टा ले लो भाई साहब तो जरूरी है क्या वो इसीलिए लेते हैं बता तो दिया तुमको होक्स ने क्या एज्यूम कर लिया फाइनली होक्स ने यही तो एज्यूम किया है बता तो दी थी कहानी कि आते दोनों साथ हैं फिर भी हुक्स ने ये म, उसका मन था एनालिसिस तो करोगे ना आप कैसे ही ना कैसे ही तो बताए तो था हुक्स ने ये माना है ना तो जो डिपेंड उसने मान लिया ये इस पर डिपेंड करता है तो इफ़ बाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स तो बाई एक्स इस पे पर लोगे इस पर एक्स पे ही लोग क्या समस्या है तो तुम्हें नहीं लेना तुम तो मत लो तुम भी खोज करो अपना खुद से तुम इधर स्ट्रेन ले लो तुम इधर स्ट्रेस ले लो तो कैसे ग्राफ बनेगा ऐसे बन जाएगा कौन समस्या है ऐसे बन जाएगा फिर बता ही समझ में कि नहीं आई ऐसे बना लो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा लेकिन अब जैसा सिलेबस में हैं, हमारी है हमारी मजबूरी है कि हम अब वैसा ही पढ़ें नहीं तो खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी हम ये बनाएंगे तो कोई मानेगा नहीं उन्होंने पहले बोल दिया तो उनका मान लिया गया <laughs> बात समझ आई कि नहीं आई हाँ हूँ ओके सर क्लियर इन कॉल तो भाई कॉलेज से मुक्ति दिलाने के लिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं <laughs> और कह कह रहे हैं आपसे यही तो कह रहे हैं कि जो प्लस पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा होगा ना उसको जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा देखो आई एम नॉट कि एयर फैकल्टीज़ आर लाइक गॉड या क्या लेकिन कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसमें इतना डेफ्थ में नहीं पूछा जाता उसमें डिटेल्ड सिलेबस बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है बस सिलेबस वही है कोई यहाँ नई चीज़ आपको नहीं बता दी जाएगी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर डिस्कस करता हूँ मैं जैसे जो एम में हम लोगों ने एक्स्ट्रा सीखा होता है उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया जाता है विच टाइम गिव यू दी क्विक रिजल्ट जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कई बार हम ऑप्शन देख के समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा बिना सॉल्व करे तो वो सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है तो वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्लियरिटी अपने आप बनती है आप खुद ही समझते हो जिस सब्जेक्ट के आप ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेते हो टेंथ क्लास में या ट्वेल्थ क्लास में जिसने फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे उसकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगी जिसने मैथ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी उसकी मैथ स्ट्रोंग होगी नो डाउट और जिसका याद करने का तरीका अच्छा है उसकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी अब मुझसे इस समय आप केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन पूछ दो क्या रिएक्शन बोलते थे मुझे एक भी याद नहीं है क्योंकि अब उससे कोई वास्ता नहीं है तो जो प्रैक्टिस जिसने ज़्यादा किया होगा नो no डाउट वो आपको अच्छा बता सकता है तो यहाँ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाते रहते हैं दैट्स वाई यू विल गेट फॉर डैम शोर बेटर थिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट केस कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट केस कौन सा दिया हुआ है <coughs> हमने पहला कर लिया लोड एट वन सेक्शन दूसरा कर लिया लोड एट मैनी सेक्शन नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं बार इज फिक्सड एट बोथ एंड्स ठीक है थर्ड केस बार फिक्सड एट बोथ एंड बार फिक्सड एट बोथ एंड्स एंड लोड एट न सेक्शन एंड लोड इज अप्लाइड एट वन सेक्शन ओके ये केस ले लेते हैं तो इसमें मान लेते हैं कि भाई ये बार है और दोनों तरफ ये फिक्स है दोनों तरफ फिक्स है इसमें ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है ए फिक्स है और बी फिक्स है बीच में कहीं सेक्शन सी है जिस पर लोड लगाया गया है और सी जो है इधर से एल बाई थ्री डिस्टेंस पर है इधर से टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पर है टोटल लेंथ जो है वो एल है डाया जो है वो डी है यंग्स मॉडलस जो है वो ई e है ठीक है तो इतनी कहानी इस बार के बारे में दी हुई है इतनी कहानी इस बार के बारे में दी हुई है तो दरअसल ये एक ही बार है डाया हम इक्वल लिए ले, ले रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी डेरिवेशन। डाया दोनों का सेम है तो ये दो पार्ट हो जाएंगे बार के एक ये एल वाई थ्री डिस्टेंस का सो एल वन यू कैन एवज्यूम एज एल वाई थ्री सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा जिसमें एल टू इज इक्वल टू टू एल थ्री ठीक है लोड सी सेक्शन यानी एक ही पर लगा हुआ है तो लोड मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ लेट से लोड इज अप्लाइड राइट साइड पी एक लोड लगाया गया पी ठीक अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है तो इसको स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज सॉल्व कैसे का करना है देखिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई अप्लाई द रिएक्शंस एट ए एंड बी अपोजिट टू नेट लोड सो नेट लोड पी हमारा इस तरफ है तो रिएक्शन जो बी से आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा यहाँ मैं रिएक्शन को एन बी या आर बी लिख देता हूँ रिएक्शन बोल रहा हूँ चलो आर बी लिख देता हूँ इसको आर बी और ए पर बी लेफ्ट में लगेगा आर ए तो अगर लोड इधर खींच रहा हूँ इस बार को पकड़ के तो रिएक्शन दोनों पर लेफ़्ट साइड जाएगा और वो उसके इक्वल होगा तो हमारा आर ए प्लस आर बी बोथ विल बी टुगेदर इक्वल टू नेट लोड तो पहला इक्वेशन ये बन जाएगा ठीक है फर्स्ट इक्वेशन विल बी दिस आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी ना हम क्या करेंगे हम इसका एफ बी डी बनाएंगे तो एफ बी डी में यहां दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट तो इसमें मैं मान लीजिए लोड लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ लोड लगा रहा हूँ मैं राइट साइड से मान लो शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ लगाऊँगा आर बी या मुझे आ, 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 आर बी दिख रहा है आर बी दिख रहा है ये रेस्ट में रहेगा मतलब इस पर इधर भी आर बी लग रहा होगा ये तो मेरा रेस्ट में हो गया अब ये एक्स्ट्रा आर बी लगाया है उसको इस पर डंप कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट और लोड जो है पी वो इस पर लगाया जाएगा ऐसे क्योंकि ये तो रे, रेस्ट में हो गया और इस सेक्शन पर आ लग रहा है आ लगा लग ठीक तो अगर मैंने ये बैलेंस किया है तो ये अपने आप बैलेंस मिलना चाह ही ये ये कब बैलेंस होगा देखो जरा इधर आ रे है तो इसका नेट फोर्स इधर लगना चाहिए तभी तो बैलेंस हो पाएगा तभी तो ये रेस्ट में हो पाएगा इस पर आर लेफ्ट में तो जब इस पर नेट फोर्स राइट में लगेगा तभी तो ये बार रेस्ट में रहेगा अब ये राइट में कब होगा जब पी बड़ा हो बिकॉज पी इधर है तो पी को यहां बड़ा होना पड़ेगा तभी ये रेस्ट में रह पाएगा सो पी माइनस आर बी विल बी राइट साइड लोड कितना हुआ पी माइनस आर बी ठीक है तो इस बार के लिए आर ए बी इक्वल टू पी माइनस आर बी क्या होना चाहिए आर ए शुड बी इक्वल टू पी माइनस आर बी फॉर दी रेस्ट तो जरा बताओ ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ही नहीं है इसी से तो आया है सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया मतलब हमारा सही है मतलब हमारा सही है ये yes हम्म। no? hmm. अगर मैं उधर से बनाना स्टार्ट करता लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करता तो देखो कैसे बनता तो देखो कैसे बनता इधर मैं लगाता आर ए सबसे पहले फिर इधर लगाता आ इसे रेस्ट में कर लेता और इसका आ रे इक्वल एंड अपोजिट यहाँ टक देता ठीक और इधर तुम्हारा आर क्या लग रहा है बी पी लोड जो है वो यहाँ लगा देता है इसे इस बार देखिए आरबी इस तरफ है तो पी माइनस आर ए इस तरफ जाना चाहिए तभी ये रेस्ट में रह सकता है तो यहां पी माइनस आर ए होना चाहिए तो ये पी माइनस आर ए आरबी बराबर होना चाहिए तभी ये रेस्ट में होगा ये सुनो सो पी माइनस आर ए मस्ट बी इक्वल टू आरबी ये तीसरा इक्वेशन मिला तो जरा बताओ वो तीसरा और पहला बराबर ही है ना तो चाहे मैं राइट से बनाना शुरू करूं चाहे मैं लेफ्ट से बनाना शुरू करूं कहानी पूरी सेम है कि नहीं है कहानी पूरी सेम है कि नहीं है बताइए है ना गुड अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की सो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ क्या लगेगी बताइए <coughs> क्योंकि ये दोनों साइड फिक्स है तो टोटल एलोंगेशन इन दी बार शुड बी जीरो टोटल एलोंगेशन इन दी बार शुड बी जीरो है ना क्योंकि दोनों साइड से फिक्स है जब मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो पहले पार्ट में तो एलोंगेशन होगा मान लो पाँच सेंटीमीटर से तो दूसरे पार्ट में उतना ही कॉम्प्रेशन हो जाएगा पाँच सेंटीमीटर से तो इसका प्लस फाइव और इसका माइनस फाइव टोटल विल बी जीरो बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड ऑन बोथ साइड सो कंडीशन इज टोटल डेल्टा एल शुड भी जीरो मीन्स डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू शुड भी इक्वल टू जीरो अभी डेल्टा एल वन क्या होगा पी वन एल वन बाय ए वन और ई वन ए और ई यहाँ पर सेम है पी टू एल टू ओवर ए टू ई टू ए और ई सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे है ना इसके बाद पी वन की जगह क्या आएगा देखो यहाँ से देख लो प्लस का आर ए यहाँ से लोड देखो क्या आ रहा है पहले में प्लस का आर ए टेंसाइल और पी टू में क्या आ रहा है पी टू में आ रहा है माइनस का आर बी कॉम्प्रेसिव माइनस का आर बी कॉम्प्रेसिव है ना और आप क्या और लिख सकते हो माइनस का P माइनस आर इधर से देखोगे तो माइनस आर भी लिख सकते हो और इधर से देखोगे तो माइनस का P माइनस आर लिख सकते हो तो वैल्यू लिखो p1 की जगह प्लस आर ए प्लस आर एल वन की जगह कितना आएगा L वाई थ्री प्लस पी की जगह या तो ये लिखो या तो ये लिखो तो मैं ये लिख देता हूँ p2 की जगह माइनस ऑफ P माइनस आर माइनस ऑफ पी माइनस आर ए इन टू एल टू एल टू कितना है टू एल बाई थ्री ठीक है इक्वल टू जीरो तो इसमें अपना ये एल बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा इसको सॉल्व करो कितना आता है प्लस आर ए माइनस पी ये टू और है यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस का टू पी माइनस आर ऐसे आ जाएगा खोल दो इसको तो ये आर ए माइनस टू पी प्लस टू आर ए हो जाएगा आर ए आर ए थ्री आर ए सो थ्री आर ए इज इक्वल टू, टू टू पी तो आर ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा टू पी बाई थ्री आ गया कितना आ गया टू पी बाई थ्री आर ए आ गया टू पी बाई थ्री तो इस इक्वेशन में रख दो तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी पहला आया आर ए इक्वल्स टू टू पी वाई थ्री और पॉजिटिव मिला है सो so, जब आप इक्वेशन उसमें रखेंगे तो आर बी आपको मिल जाएगा ये टू पी बाई थ्री है है ना तो प्लस का टू पी वाई थ्री आप इक्वेशन वन में रख दीजिए टू पी वाई थ्री तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस टू पी बाई थ्री पी माइनस टू पी बाई थ्री सो so, थ्री में से ये गया ये जाएगा प्लस का पी वाई थ्री ये सुनो प्लस का पी वाई थ्री सो so, ये हमारी वैल्यू आ गई आर ए और आर बी की ये हमारी पी वन पी टू की वैल्यू नहीं है अब हमको लोड निकालना पड़ेगा सो so, पी वन कितना था हमारा पी वन था प्लस का आर ए तो पी वन हो जाएगा प्लस का टू पी वाई थ्री पहला लोड मिल गया फिर हम लिखेंगे P2 P2 कितना है अपना P2 है माइनस का आर बी लिखो या ये लिखो तो मैं माइनस का आर बी लिख देता हूँ माइनस का आर बी मतलब माइनस का P बाई थ्री बात आई ना समझ में तो पहले बार में टेंसाइल लोड है इसमें इलोंगेशन होगा दूसरे बार में कंप्रेसिव लोड आ रहा है इसमें कंप्रेशन होगा तो इसमें जितना डेल्टाइल इंक्रीज होगा उसमें उतना डेल्टाइल डिक्रीज हो जाएगा टोटल डेल्टा एल विल बी जीरो क्लियर है कि नहीं तो पहले का डेल्टा एल वन लिखिए कितना आ रहा है तो डेल्टा एल वन हो जाएगा तुम्हारा पी वन एल वन बाई ए ई तो पी वन कितना है प्लस का टू पी बाई थ्री एल वन कितना है एल बाई थ्री वन अपॉन ए ई तो टोटल कितना आएगा टू पी एल ओवर नाइन ए ई पॉजिटिव प्लस का मिला आपको ये फिर आप निकालो डेल्टा एल टू डेल्टा एल टू निकालो सो डेल्टा एल टू होगा पी टू एल टू ओवर ए ई सो पी टू है माइनस का पी बाई थ्री एल टू है टू एल बाई थ्री इंटू वन बाई ए तो टोटल कितना आएगा टू पी एल अपॉन नाइन ए ई ये सब तो देख लो भाई साहब बोथ आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट तो टोटल डेल्टा एल क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल दिस डेल्टा एल टोटल डेल्टा एल विल बी जीरो और वो होना भी चाहिए तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया बताइए हम्म हाँ ये समझ पड़ा कि नहीं वेरी गुड सो ये पार्ट भी अपना हो गया ओके okay? अब इसमें मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस फाइंड कर लोगे ना सिग्मा वन क्या होगा सिग्मा वन क्या होगा पी वन वाई ए निकाल लोगे सिग्मा टू क्या होगा पी टू वाई ए इसको भी निकाल लोगे कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम वो भी फाइंड कर लोगे मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो पूछ दिया जाए वो भी फाइंड कर लोगे नाउ यू कैन फाइंड एवरी तो अपना मेन काम क्या होता है लोड फाइंड करना मेन काम होता है लोड फाइंड करना जो कि करेक्ट एफ से आप निकालते हैं जो कि करेक्ट एफ से आप निकालते हैं अगला पार्ट क्या है <coughs> hmm. अगला पार्ट है बार फिक्स एंड लोड अप्लाइड एट मैनी सेक्शन बार इज फिक्स्ड एंड लोड अप्लाइड एट मैनी सेक्शन तो कितने लोगों को ये समझ पड़ गया वो लोग जैन लिख दो फटाफट आज तो चाय ठंडी हो गई हमारी <laughs> कितने लोगों को ये समझ पड़ गया जैन लिख दो फटाफट कमेंट में जिनको ये पूरा समझ आ गया बताइए बताइए वेरी गुड 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 क्लियर है सभी को गुड चलिए अगला केस मैं लेने जा रहा हूँ जिसमें बार फिक्स होगा बोथ एंड पर और लोड विल बी एट मैनी सेक्शन लोड विल बी एट मैनी सेक्शन तो आज के लिए ये लास्ट केस होगा अपना ठीक है बार फिक्स एट बार फिक्स एट बोथ एंड्स एंड लोड इज एट मैनी सेक्शन लोड इज एट मैनी सेक्शंस ठीक है सो ये वाला पार्ट करते हैं लोड इज एट मैनी सेक्शंस तो मान लीजिए दिस इज योर बार दिस इज योर बार इट इज फिक्सड ऑन बोथ तो यहां पर ये तीन बार है पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इनका डाया और यंग्स मॉडला सेम हो या हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए सिंपल केस किए ले रहे हैं फिर जो भी डाया हो जो भी उसका रहा हो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको ऐसा ही केस मिलेगा कि एरिया सेम हो ई e सेम हो ठीक है डिफरेंट हो सकता है तो यहाँ पर अभी के लिए मैं मान लेता हूँ सिम्प्लिसिटी के लिए कि तीनों का जो लेंथ है वो बराबर है तीनों का लेंथ बराबर और तीनों का जो डाया है और यंग्स मॉडलर्स है वो भी बराबर मतलब इट इज़ सेम बार ऑफ लेंथ थ्री एल इसमें मैं लोड मान लेता हूँ कई सेक्शन पर तो पहला सेक्शन आई एम अज्यूमिंग इस तरफ लग रहा है पी फोर्स ओके और बी सेक्शन पर इधर लग रहा है फोर पी फोर्स या फिर एक काम करें फोर पी चलो फोर और ये थ्री पी कर देता हूँ जाए सॉल्व तो सबसे हो जाएगा कोई समस्या वाली बात नहीं थ्री पी कर दिया ये आगे तो लोड मैंने सेक्शन पर लगा हो पी एंड थ्री पी इस तरीके से तो पहला काम क्या होगा फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा कि आप लगाएंगे द रिएक्शंस इन अपोजिट टू नेट लोड रिएक्शंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेट लोड तो देखो थ्री पी लेफ्ट है पी राइट right है तो टू पी लेफ्ट लगेगा नेट नेट लोड लेफ्ट तो रिएक्शन मेरे इस बार राइट में आएंगे आर डी राइट साइड और आर ए भी राइट साइड आर ए भी राइट साइड ये सोनू तो पहली इक्वेशन क्या बनती थी आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू नेट लोड आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू नेट लोड नेट लोड कितना है थ्री पी पी टू पी का लेफ्ट साइड तो टू पी के बराबर होगा पहला इक्वेशन ये बनना चाहिए अब एफ बी डी बना लेते हैं एफ बी डी इन तीनों पार्ट्स का बना लेते हैं उसमें फोर्स डिफरेंट पार्ट्स में मिल जाता है हमको तो फोर्स कैसे मिलेगा डिफरेंट पार्ट में देखिए मान लीजिए मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ या आर ए लग रहा है तो मैं यहाँ पर आर ए लगा दूँगा एज इट इज़ जैसा यहाँ लगाया है वैसा ही यहाँ लगा देते हैं अब इसमें रेस्ट में रखने के लिए आर इधर लगाना पड़ेगा ये रेस्ट में हो गया इसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ लगाना पड़ेगा तो ये कैंसिल हो गया मतलब आपने कुछ नहीं लगाया अगला लोड है थ्री पी थ्री पी लेफ्ट में है वो इस पर तो लगेगा नहीं इस पर लगेगा थ्री पी बिकॉज ये तो रेस्ट में अब देखिए थ्री पी आपने इस तरफ लगाया है और नेक्स्ट जो लोड होगा वो आप यहां पर लगाएंगे अब आपके ऊपर है कि आप इसे टेंशन में मान लो या कंप्रेशन में मान लो तो मैं ऐसे टेंशन में मान लेता हूं क्योंकि टेंशन में मानना इजी होता है ठीक है सो टेंशन में मानना इजी होता है तो मैं ऐसे टेंशन में मान लूंगा कैसे थ्री पी इधर आ रहे, इधर टेंशन में कब होगा जब थ्री पी बड़ा हो तो थ्री पी जब बड़ा होगा आरे से तो इधर लोड आएगा कितना थ्री पी माइनस आ कितना लोड आएगा थ्री पी माइनस तो आप इधर भी लगा देंगे कितना फोर्स थ्री पी माइनस आर ए इसको रेस्ट में रखने के लिए और इसका इक्वल एंड अपोजिट यहां लगाएंगे थ्री पी माइनस आर आर ए ठीक है जी अभी नेक्स्ट जो फोर्स था पी वो आप इस पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से और ये आर डी आप यहां अप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया ये बैलेंस हो गया ये बैलेंस मिलना चाहिए अब ये बैलेंस कब मिलेगा ये बैलेंस कब मिलेगा ये तब बैलेंस मिलेगा जब इधर तो दिख रहा है ये टेंशन में है तो इधर भी टेंशन में लाना पड़ेगा ऐसे तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा ये टेंशन कर रहा है कॉम्परेशन तो ये ज्यादा होना चाहिए तो थ्री पी माइनस आर ए माइनस पी विल गो दिस साइड तो ये टू पी माइनस आर ए बच जाएगा ना टू पी माइनस आर ए तो फ्रॉम दिस पार्ट टू पी माइनस आर ए इधर मस्ट बी इक्वल टू आर डी तो जरा बताओ क्या आपको सेम इक्वेशन मिली कि नहीं मिली सेम इक्वेशन मिली कि नहीं मिली बताइए ये सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो हाँ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बताइए जवाब दो जवाब दो ये एफ बी डी क्लियर है कि नहीं है हम्म वेरी गुड तो अभी पहले में लोड क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में माइनस आर ए दूसरे में लोड क्या हो जाएगा प्लस का थ्री पी माइनस आर ए और तीसरे में लोड क्या हो जाएगा प्लस का आर डी ऐसे लोड लिया जा सकता है तो अब आप लोड की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे पहले में लोड आ गया पी वन माइनस का आर ए दूसरे में लोड आ जाएगा नारा प्लस का थ्री पी माइनस आर ए प्लस का थ्री पी माइनस आर ए और तीसरे में लोड आ जाएगा प्लस आर डी लिखूं या प्लस टू पी माइनस आर ए लिखूं या तो मैं प्लस आर डी लिख सकता हूं या मैं प्लस का टू पी माइनस आर ए लिख सकता हूं कुछ भी एक वैल्यू ले सकता हूं ठीक है ना सो दिस इज वन टू थ्री लोड अभी यहां पर भी क्या लिखेंगे भाई साहब यहां पर भी लिखेंगे टोटल डेल्टा एल विल बी जीरो डेल्टा एलवन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री विल बी जीरो बिकॉज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड तो डेल्टा एलवन कितना होगा पी वन एल बाई ए प्लस पी टू एल बाई ए क्योंकि लेंथ सबका सेम है और एरिया एंड यंग्स मॉडल्स भी सेम लिया हुआ है हमने तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बची P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इक्वल टू जीरो तो P1 इसको लिख दो माइनस आर ए प्लस पी टू इसको लिख दो थ्री पी माइनस आर ए है ना P3 इसको लिख दो आर डी या आर डी की जगह आर ए के टर्म में ही लिख दो तो आर ए की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं फटाफट आर ए के टर्म में ही लिख दीजिए भाई साहब इसको आर ए के टर्म में लिख देते हैं ये वाला प्लस का टू पी माइनस आर ए टू पी माइनस आर ए ठीक है खोल दो इसको ब्रैकेट को तो माइनस आर ए तो माइनस आर ए माइनस आर ए माइनस आर ए माइनस थ्री आर इक्वल्स टू थ्री पी टू पी फाइव पी तो थ्री आर ए को इस तरफ ले जाऊं, तो ये इक्वल टू फाइव पी मिल जाएगा है ना तो यहाँ से आर इक्वल्स टू कितना आ गया फाइव पी अपॉन थ्री एक वैल्यू आ गई एक वैल्यू आ गई तो मेरा आर डी कितना होगा आर डी हो जाएगा देखिए आर डी को लिखना है टू पी माइनस आर ए सो दिस टू पी माइनस आर ए आर ए आपका फाइव पी बाई थ्री तो इसको सॉल्व करो ये आर डी इक्वल्स टू तीन छः छः में से पाँच गया एक बचा तो पी बाई थ्री आ जाएगा सुनो yes no? तो आर ए इतना है और आर डी इतना आ गया अभी ये पी वन पी टू पी थ्री नहीं है पी वन पी टू पी थ्री आपको फाइंड करने पड़ेंगे तो फाइंड कर लेंगे ना आप हाँ चमका के नहीं चमका बताइए हम्म बताइए चमका के नहीं चमका यस तो आर ए आप लिख देंगे माइनस सो आई एम गेटिंग पी वन इक्वल टू कितना है माइनस आर ए मीन्स माइनस फाइव पी बाई थ्री माइनस फाइव पी बाई थ्री पी टू कितना है पी टू इज थ्री पी माइनस आर ए है न तो थ्री पी माइनस आर ए थ्री पी माइनस आर ए फाइव पी बाई थ्री तो ये जाएगा तीन तीन नौ चार बचेगा ये आ जाएगा पी थ्री कितना आ जाएगा पी थ्री है आपका आर डी प्लस आर डी मतलब प्लस पी बाई थ्री प्लस पी बाई थ्री तो भाई तीनों लोड मिल गए कि नहीं मिल गए बोलो लोड की ही तो परेशानी है लोड का ही तो लोड रहता है तो सिग्मा वन निकाल दोगे कि नहीं यस सिग्मा टू निकाल दोगे कि नहीं यस सिग्मा थ्री निकाल दोगे कि नहीं यस yes. सब निकाल सकते हो फिर उसके बाद मैक्सिमम ओवर मिनिमम निकाल दोगे कि नहीं कुछ भी पूछ दे मैक्सिमम ओवर मिनिमम तो इन तीनों में से कुछ मैक्सिमम मिलेगा कुछ मिनिमम मिलेगा वो भी आ जाएगा उसके बाद डेल्टा एल वन निकाल लोगे कि नहीं निकाल दोगे आप डेल्टा एल टू भी निकाल लोगे इसका है ना और डेल्टा एल थ्री भी फाइंड कर लोगे एल yes थ्री no? भी फाइंड कर लोगे तो ये अपना आज का प्रॉब्लम भी हो गया यस yes सोनू no? hmm. hmm. दुर्गेश वन टू थ्री अच्छा आपने तीन डेडिकेशन दिए थे <laughs> टोपी का मतलब डेडिकेशन होता है जो प्लस स्टूडेंट होते हैं पेड वाले वो टीचर्स के लिए कुछ पॉजिटिव फीडबैक लिखने का ऑप्शन रहता है वहाँ पर <laughs> तो वो इन्होंने लिखा होगा आज वहाँ पर चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक्स अलाट तो सारी वैल्यू मिल जाएंगी कि नहीं तो ये अपने केसेस थे फॉर दी सीरीज़ ठीक है तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ कल हम लोग करेंगे पैरल वाला वन बार्स विल बी इन पैरल ठीक है फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ सीरीज़ वाली प्रॉब्लम्स भी करेंगे कुछ पैरेलल वाली प्रॉब्लम्स भी करेंगे और आपको सहूलियत मिलेगी कन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो कभी भी सिर्फ कन्सेप्ट को समझ के वहीं रुक नहीं जाना चाहिए उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए हम लोग ऑलरेडी क्लास में बहुत सारी कराते हैं प्रॉब्लम जो भी प्लस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा और उसके अलावा भी आपको सॉल्व करनी रहती हैं तो मैंने एक मंत्र बताया हुआ है आपको देखो आज फिर बता देता हूँ सक्सेस मंत्र जो है मैं जिस सक्सेस मंत्रा को सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो सक्सेस मंत्रा है टेन थाउजेंड क्वेश्चनस टेन थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाने अगर आपने टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा दिए एक साल के अंदर ठीक है नो बडी कैन स्टॉप योर रैंक अंडर टेन ए आई आर जो है आपकी वो अंडर टेन मिलेगी फॉर डैम श्योर फॉर डैम श्योर ठीक है अब ये टेन थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन हम कैसे कर कर सकते हैं देखो जरा टेन थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ पहली बात ऑलमोस्ट आपके ग्यारह बारह सब्जेक्ट रहते हैं है ना सिविल में तो और ज़्यादा हैं तेरह चौदह सब्जेक्ट हैं मैं फिर भी दस सब्जेक्ट मान लेता हूँ आपके कि आपको गेट ए के लिए दस सब्जेक्ट पढ़ने हैं मोटे मोटे तो अगर मैं दस सब्जेक्ट इसे बाई सब्जेक्ट से डिवाइड करूँ तो पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन बचे वन थाउजेंड वन थाउजेंड क्वेश्चनस पर सब्जेक्ट क्वेश्चनस पर सब्जेक्ट ठीक है फिर एक सब्जेक्ट में लगभग दस चैप्टर रहते हैं तो इसको मैं फिर से 10 से डिवाइड कर दूं तो 100 क्वेश्चन पर चैप्टर 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको सॉल्व करने होते हैं ठीक है अब कोई सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा भी होता है कोई सब्जेक्ट थोड़ा छोटा भी होता है कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा भी होता है कोई चैप्टर थोड़ा छोटा भी होता है इन हंड्रेड में से तीस से चालीस क्वेश्चन हम क्लास में ही करा देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम क्लास में ही करा देते हैं ठीक है ये क्लास में आप कर लेते हो इसमें जरा बताइए बचे कितने साठ सत्तर क्वेश्चन क्या आप साठ सत्तर क्वेश्चन पर चैप्टर लगा नहीं सकते हो साल भर में बताओ जरा कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो भी टॉपर हैं अगर मैं अपने पुराने ए आई आर वन स्टूडेंट से भी बात करता हूँ ना वो भी कहता है कि सर मैंने आपका ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया था वो कहता है मैंने सर ये पूरे टेन थाउजेंड नहीं कर पाए थे टेन थाउजेंड कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यू विल बी अंडर टेन यू विल बी अंडर टेन इन गेट ओके साठ सत्तर क्वेश्चन आपको अपने हाथ से लगाने हैं उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रह रहता है ना कि सर हम पूरे नहीं कर पाएंगे है ना तो मान लीजिए आप पचास क्वेश्चन तो कर सकते हो यार पचास क्वेश्चन पर चैप्टर अगर आपने लगा दिए तो योर सेलेक्शन विल बी फॉर डैम श्योर अंडर हंड्रेड रैंक आई कैन गारंटी अगर आप मुझे पेपर पे लगे हुए पेन के साथ कैलकुलेटर से सॉल्व किए हुए हंड्रेड क्वेश्चन दिखा दो और आपकी रैंक अगर अ, अ, अंडर हंड्रेड ना हो तो आप मुझे बता देना इट कैन नॉट हैपन इट कैन नॉट हैपन दिस इज डैम्स योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी डैम्स योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी ठीक है तो ये सभी को करना होता है आपकी रैंक फोर डैम्स योर अंडर हंड्रेड होगी ठीक है so, सो दिस इज दी सक्सेस मंत्र रहस्य ये कोई नहीं बताएगा आपको सब बोलेंगे ये बुक पढ़ लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो सो so, उन सबके अंदर जो मेन चीज़ है ना आत्मा उस सब का वो ये है गेटिंग द पॉइंट आर नॉट तो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन आफ्टर लर्निंग द थ्योरी एंड द क्लास नोट्स ठीक है दैट इज़ योर ड्यूटी योर होमवर्क चलिए तो लास्ट में मैं एक बार आपको फिर से आ, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर दे रहा हूँ बाकी आप जानते हैं आई एम मुदित राज आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट नाइन टेन ईयर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स गेट और ये सीखी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये सिलेबस जो है बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्लैड स्लेबस से कनेक्टेड है ठीक है तो मेरे बहुत सारे पेड एंड फ्री कोर्सेस आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म पर फीस जो है कोर्सेस जो चल रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बहुत सारे कोर्सेस अब अभी मैं मशीन डिजाइन स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है जैसे सो मोटोम कम्प्लीट हो जाएगा नियरली फ्ट जुलाई से मैं मशीन डिज़ाइन स्टार्ट करने वाला हूँ मशीन डिजाइन स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट जुलाई से ठीक है उसके बाद फर्स्ट अगस्त से मैं फ्लूड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट अगस्त से मैं फ्लूड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दूँगा ठीक है सो वन बाई वन यहाँ पेड क्लासेस पे सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स आर कवरिंग और होल दी सिलेबस वेरी केयरफुली वन ईयर का फीस जो है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है आप कोड यूज़ करते हैं तो ट्वेंटी टू थाउजेंड बचता है उसी तरह टू ईयर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है थर्ड ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को दिस इज दी बेस्ट 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 थिंग आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं अगर आप थर्ड ईयर से आप करते हैं ना ज्वाइन तो आपको आप परसेंटेज भी इम्प्रूव करेगा या सी जो भी बोलते हो आपके यहाँ जो भी बनता हो वो भी इम्प्रूव करेगा ठीक है और फाइनल ईयर में जाके आप अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करना शुरू कर सकते हो सो दिस इज़ दी टू ईयर प्रोग्राम टू ईयर और वन ईयर की फ़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है टू ईयर का ट्वेंटी सेवन वन ईयर का ट्वेंटी टू सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी थर्ड ईयर दिस इज़ दी बेस्ट 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 टाइम और स्ट्रेटेजी अभी मैंने आपको बताई दी आप दो साल में दस हज़ार क्वेश्चन उस पर भी मैंने आपको बोला आपके हाथ में पाँच हज़ार ही हैं तो एक साल में कितने बचे ढाई हज़ार क्वेश्चन इतने आराम से भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर गलत बात है कहीं ना कहीं फिर मतलब आप खुरापात कर रहे हैं इससे ज़्यादा ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कोई है ही नहीं गेटिंग द पॉइंट और नॉट तो आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे ठीक है चलिए और कुछ किसी को पूछना बताना हो तो बताइए बोलिए 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 आज फिर मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं नहीं तो जय हिंद जय जै भारत करने वाला हूं मैं फिर हम्म सर एक दो प्रॉब्लम और हो जाए प्रॉब्लम कल करेंगे आज तो थ्योरी थ्योरी की थी हम्म टोम भी आएगा टोम भी हम लोग करेंगे ठीक है हम्म एनालिसिस भी करो सिविल सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं मैं गेट के सब्जेक्ट्स का भी एक दिन पूरा एनालिसिस कर दूंगा वैसे मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है वीडियो पड़े हुए हैं आप उसको जाके देख सकते हैं ठीक है हाँ ई के लिए भी है ये स्ट्रेटेजी ई प्रीलिम्स तक आप ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे बस ई प्रीलिम्स तक ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे बस जब आपका प्री अच्छा हो जाएगा गेट अच्छा हो जाएगा आपका खुद कॉन्फिडेंस इतना ऊपर जाएगा आप खुद वहाँ उसके बाद सिर्फ सब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं जो ई मेंस में एक्स्ट्रा रहते हैं वो आप करेंगे तो फरवरी से लेके जो मेन्स होता था हमारा जून में अभी तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाएगा महीने दो महीने बट वहाँ फरवरी के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे अभी दिसंबर तक मेनली जितने क्लास में सब्जेक्टिव कराए गए हैं वो करेंगे बाकी ऑब्जेक्टिव 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 वो लगाएंगे उब्ज बस ठीक है यूट्यूब पर देखो सब्जेक्ट्स में बहुत टाइम लगता है आप समझ ही सकते हैं कि मैंने मशीन डिज़ाइन में यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस कराई हैं यूट्यूब पर मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कितनी क्लासेस की हैं किसी को याद है सिक्सटी से ऊपर ही थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने यूट्यूब पर जो मैकेनिक्स कराया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यूट्यूब पर अभी जो मैंने रिसेंट सीरीज़ कराई थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का <coughs> इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नियर अबाउट सिक्सटी थ्री या सिक्सटी फोर सेशंस लिए थे आपके ठीक है अब एक सेशन मान लो एक घंटे का डेली चल रहा है वन आवर डेली तो कितना लग गया इसमें बताओ दो महीने लग गए दो महीने से ज़्यादा हो गए कोई कोई क्लास एक घंटे से ऊपर चली जाती थी अब सोम आप समझ सकते हो सोम को अगर मैं डिटेल में कराऊँ तो सोम लगभग लगभग अगर बहुत डिटेल में कराते हैं आराम से तो लगभग 100 से 120 घंटे का सब्जेक्ट है ठीक है 100 से 120 घंटे कब चार महीने लगेंगे तो छः महीने में दो ही सब्जेक्ट हो पाएंगे आपके यूट्यूब पर क्योंकि यूट्यूब पर टाइम फैकल्टीज़ को उतना ही अलॉटेड रहता है मैंने बताया ही आपको यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस की आप बात कर रहे हो ना तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उसके बाद यही हाल फिर टोम का है टोम भी लगभग इतने ही घंटे लेता है बल्कि टोम में सोम से ज़्यादा लग लगता है थोड़ा इतना ही मान लेता हूँ मैं ऑन एन एवरेज तो इसमें चार महीने हो जाएंगे तो भाई साहब चार चार आठ दो दस दस महीने में तो यूट्यूब पर आपके अगर मैं डेली कराता हूँ क्लास एक एक घंटे की तो भी आपको समझो दस महीने लगेंगे दस महीने में अगर तीन ही सब्जेक्ट हो पाएंगे ठीक है तो फिर कैसे आपका हुआ पेड क्लासेस में आपकी ज़्यादा घंटे की क्लासेस होती है वहाँ जो प्लेटफॉर्म है उस पर बड़े सुकून से बहुत देर तक क्लास चलती है तो आप कर सकते हो ठीक है हाँ जब आप एम कोड यूज करेंगे उसके बाद यू विल बी इन डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद मी यू विल बी कवरिंग ऑल सब्जेक्ट विद मी सारे डाउट जो आप मुझे भेजते हैं डायरेक्ट मैं आपको रिप्लाई करता हूँ सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं जो पेड स्टूडेंट होंगे यहाँ वो जानते भी होंगे ठीक है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना आसान है नहीं ऐसा नहीं है अभी आपने पेड क्लासेस नहीं करी हैं इसका मतलब पेड क्लासेस में क्या होता है जैसे मैं कोई फ़िगर भी बना रहा हूँ ना वहाँ जैसे यहाँ मैंने ये फिगर बनाया है अब ये फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है ठीक है ये सारी लाइन्स सीधी नहीं है बट जब हमें बहुत प्रेसाइज सर्किल और वो सब अब देखो ये टेढ़ा मेढ़ा फिगर है लेकिन वहाँ पेड क्लास जब मैं सॉफ्टवेयर पे जिस दिन क्लास लेता हूँ आप देखते हो गए वहाँ फ़िगर बहुत नीट एंड क्लीन बनता है सर्कल बनाना है तो एकदम सर्कल बनेगा अगर मैं टोम में ऐसे कैम वाले प्रोफाइल और वो सब बना रहा हूँ ना तो यहाँ बोर्ड पर बनाना वो फिगर में आधा घंटा लगेगा जो डिटेल वाले फिगर हैं या गियर वाले फिगर हैं तो इसमें उतने सिस्टम नहीं हैं वहाँ जो जो उसका सिस्टम है ना वो पढ़ाने के पर्पज़ से ही बनाया गया है वो इम्प्रूव किया जाता है डे बाई डे तो बोर्ड पे ही ठीक है बट वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जिन लोगों ने क्लास करी होंगी वो जान जानते हैं इस बात को ठीक है चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में टिल देन जय हिंद जय भारत पढ़ते रहो लगे रहो YouTube से ज़्यादातर उन लोगों को हेल्प मिल जाती है जिनको कुछ कंसेप्ट सीखने हैं और जो ज्वाइन जो करना चाह रहे हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बाकी मेरी कोशिश तो ये रहती है मैं जो भी पढ़ाऊँ बड़े सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊँ कंसेप्ट्स जो कराऊँ तो मैं सारे कोश जो कंसेप्ट कराता हूँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए ठीक है इवन देन इफ यू वॉन्ट ए प्रॉपर गाइडेड प्रपरेशन यू कैन कम एट प्लस ठीक है चलिए जय हिंद जय जै भारत गुड नाइट